सब्सक्राइब कीजिए एसटीवी टेक चैनल को और बेल बटन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। हमने पहले देखा था एक वीडियो के माध्यम से कि भुया सॉफ्टवेयर से कैसे हम लोग नकल निकाल सकते हैं, वो भी डिजिटल सर्टिफाइड। तो इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जैसे हम लोग उसमें डिजिटल सर्टिफाइड निकालते हैं तो जहाँ पर साइन होना चाहिए डिजिटल साइन, वहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है। तो कई लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया कि क्वेश्चन मार्क है, उसको किस प्रकार से ठीक करेंगे, तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर एक पीडीएफ बैलेंस डाउनलोड है ये वीएस सॉफ्टवेयर से। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये नीचे साइड में देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा है, ये जहाँ डिजिटल साइन होता है। अब इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, इसके लिए इसको बंद कर दीजिए जो भी आपको खुला हुआ है। मैंने यहाँ वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को क्लिक करके आप जैसे लिंक क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको ओपन हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसमें से आपको एडोब एक्रोबेट रीडर DC जो है इसको लोड करना है। पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, जैसे मेरा यहाँ पर विंडोज 10 है तो विंडोज सेलेक्ट किया मैंने। ये आपके लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जो वर्जन है उसका उसको सेलेक्ट कर लीजिए। जिसके ऑप्शनल है इसको चाहे तो क्लिक कर सकते हैं, अगर ना क्लिक करें इसको हटा दीजिए और यहाँ डाउनलोड कर दीजिए। तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड करके रखा है, यहाँ से डाउनलोड करेंगे 115 MB का है वो फाइल डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको जो है इंस्टॉल करना है इसको, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। DC ये इंस्टॉल कर रखा है मैंने इसको, इसको इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल कीजिए, थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, आपके सिस्टम के स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी देर में आपका सिस्टम इंस्टॉल कर लेता है इसको। फिनिश कर दीजिए। अब देखिए फिर चालू कर फिर से शुरू कर देखते हैं फाइल को इसके माध्यम से। एक्सेप्ट कीजिए, ये वेरीफाई कर रहे सिग्नेचर को। ये देखिए ये सिग्नेचर के वेरीफाई कर लिया। अगर मान लीजिए इसके बाद भी, अगर इंस्टॉल करने बाद भी अगर आपको यहाँ प्रश्न साइन दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, तो इसको आप क्लिक कीजिएगा क्लिक करने बाद सिग्नेचर प्रॉपर्टीज और यहाँ पर कर दीजिए वैलिडेट सिग्नेचर दिख रहा है आपको। क्लोज कर दीजिए। इस प्रकार से आपका जो सिग्नेचर है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो क्वेश्चन मार्क है वो हट जाएगा। जिस प्रकार के देखिए, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कुछ सुझाव हो तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से दीजिए। वीडियो देखने के धन्यवाद।